हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। कितने अभी बज रहे हैं? 12:30 बज रहे हैं और हम लोग आज आए हैं। आज संडे है तो आज हम लोग लाल किला आए हैं क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट करते थे कि मायावती पार्क में ही वीडियो बनाते हो, तो इसलिए हम लोग लाल किला आए और बहुत ही ज्यादा भीड़ है, मतलब बता नहीं सकती। तो आप लोग चारों तरफ देखो। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे देखो, जिधर से हम आए वो मंदिर है, बहुत अच्छी। जय भगवान की। हाँ, इधर आप देख सकते हो झूला लगा हुआ है और इधर लक्की है और आप इधर देख सकते हो लाल किला। सुनो, हाँ तो देख लो, लग गया हाथ, लग गया मेरा, सॉरी। मारते दिखा रहे थे ना, वो दिखा रहे थे हमको। मारे कहाँ, देख लो मेरे हाथ में उंगली डाल दिया। तो आप लोग लाल किला का सुंदरता देखो कि कितनी खूबसूरत है, जो मेरे पति देव सूट ले रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज संडे है और मैं भी आ गई बीच में। और वो जो मेरे साथ एक लड़का गया था, लकी, वो भी थे। और बाकी हमारे पति देव जो, वो सभी का सूट ले रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। पूरी पब्लिक भरी हुई थी तो सोच रहे थे क्या कर रहे, बनाना चाहिए या नहीं। ये हमारी तिरंगा जो आप देख सकते हो और बाकी पब्लिक भी जा रही है। और ये हमारे रील्स की वीडियो शूट हो रही है, जो कि मैं ये फ़ोन लेके ही हूँ। मेरे पति देव पीछे से आ रहे हैं, फिर ये फ़ोन पकड़ेंगे और मैं अब इनके सीने से लग गई। अब इसको बस किसी सॉन्ग पे डाल देना है अच्छे से, तो आप लोग जल्दी से जाके देखो। गाइस, अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं और वो भी टिकट अंदर जाने के लिए जो टिकट चार्ज होता है वो टिकट कटवाने के लिए हम लोग लाइन में खड़े हैं। बहुत लंबी लाइन है, दो लाइन लगी हुई, तो आप देख सकते हैं। तो अंदर एंट्री के दो टिकट मिलते हैं, एक 50 की और एक 80 की। 80 की जो टिकट होती है वो उसमें आप म्यूजियम वगैरह देख सकते हो। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब जो आवाज़ आ रही थी, इसके लिए मैं म्यूट कर दी, खुद की वॉइस में बोल रही हूँ यहाँ पे। और हम लोग लाइन में फिर से अंदर से जाने के लिए खड़े हैं कि बैग चेकिंग होगी। तो देखो कितनी बैग चेकिंग में भी इतना ज़्यादा लग। सो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, यानी थोड़ी सी बची है एंट्री करने के लिए। वो आगे है एंट्री के गेट, हम लोग जस्ट सामने से एंट्री किए हैं और इधर से मेन गेट पे यानी जाना है। तो हम दिखाते हैं, बने रहो आप। महिला इसमें, तो इधर महिला की लाइन है, इधर महिला का चेक होता है, यानी उधर आरती है, फिर हम लोगों के चेकिंग होंगे, बैग वगैरह सब चेक होता है यहाँ पे। बैग वगैरह इधर सामने लाइन लगी हुई है, हमारी कब तक पारी आएगी। इधर आरती एंट्री कर चुकी है, तो चेकिंग हो गई हमारी लोगों की। आरती इधर खड़ी है अभी जब चेक हो रहा था, तो ये सब सारी चीजें आरती के क्लेचर वगैरह दिखा रहे थे। हम हाथ से ही ऐसे निकल के खड़े हो गए। हम लोग टिकट कटाते हैं तो दो गेट मिलती है, एक जगह टिकट चेकिंग होती है, एक जगह बैग चेकिंग होती है। उसके बाद यानी थर्ड यानी फर्स्ट गेट जो होते हैं हमारे लाल किला के अंदर घुसने के लिए, वो हमारे सामने है और हम लोग एंट्री करने वाले हैं। सुनो, यहाँ पे हम लोग रिक्शा से आना चाहिए, पैदल नहीं चाहिए। आप इधर से भी देख सकते हो झूला वगैरह। क्या बोला? तो वो आगे देख सकते हो वहाँ पे तोप है, दोनों साइड ही है, इधर भी है, दोनों साइड दिख रहा होगा आपको। तो हम देख सकते हो, जाओ देखो। चलो अंदर,
तो हम लोग यहाँ अंदर आ चुके हैं। बताओ एक फोटो मेरी भी प्लीज। हो गया पहुंच गया। इतना बड़ा किला मक्खी लग रहा है अलग क्वालिटी। चलो फटाफट गाइस, एक तो मेरी हाइट ऐसे ही कम है, ऊपर से इतना लंबा पता नहीं दिखेंगे भी कि नहीं। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं, आप लोग देख चुके हो। और यहाँ पे लाल किले के अंदर में शॉप बहुत सारी थी, मुझे पता नहीं था, और जहाँ पे इयररिंग्स वगैरह मिल रही थी तो मैं सोच रही थी लूँ कि नहीं लूँ, कंफ्यूज भी थी मैं बहुत ज़्यादा। और अच्छा भी लग रहा था कि चलो लाल किला के अंदर मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी और इतना कुछ देखने को मिल रहा था। देखो मैं कैसे कैसे देख रही हूँ, सबकी प्राइस पूछ रही थी और वहाँ से निकल जा रही थी। और आप लोग देखो आगे बहुत सारी शॉप थी, तो मैं कभी बैंगल्स का पूछती थी, कभी पर्स का पूछती थी, बट मैं सोच रही थी कि पहले सूट करूं या फिर ये सारी चीज़ें लूं, क्योंकि धूप अगर चली जाती तो सूट नहीं होता इसके लिए। तो हम सोच रहे थे, कंफ्यूज भी थे, तो फिर आरके से पूछे, तो फिर हम एक पर्स के दुकान पे गए। अब वहाँ एक एक चीज़ थोड़ी ना दिखाएंगे, आज दिखा दिया अंदर का, वहाँ क्या दिखाएगी उसको। तुम तो तेजी भी नहीं चल रही, तो तेजी तेजी चलेगा। तो आप देख सकते हो ये कितनी ही खूबसूरत है। और मुझे ये तो नहीं समझ में आया कि यहाँ पे होता क्या होगा, मे बी, और लिखा हुआ भी था बट मैं वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि मेरा जो ध्यान था वो हमारे वीडियो शूट पे था इसके वजह से। तो फिर हम लोग इधर से आते हैं और ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी, देखो इधर से आए और इधर से ही हम सीढ़ी चढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये लुक्का छुपी जो हम लोग बचपन में खेलते थे ना छिप छिप के, शायद उसके लिए बना गया। अरे यार मैं मजाक कर रही हूँ, ये यहाँ पे शायद कुछ होगा लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होगा। तो हम लोग सोचे क्या क्यों ना यहाँ पे एक वीडियो निकालते हैं। तो फिर हम लोग देखो ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग इधर उधर देखते हैं। देखो अभी मैं आऊँगी, सारी पब्लिक कितनी थी, उसके बाद इतनी भीड़, अब देखो मैं आ गई तो मैं इधर चली गई। अब लुका छुपी देखो, अब मैं छुप गई, अब आरके को बोल रही हूँ कि ढूंढो मुझे, मैं लुका छुपी खेल रही थी। आरके को मज़ा नहीं आया लुका छुपी खेलने में, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था इस तरह से कि मैं आरके को बोल रही थी मुझे ढूंढो। तो फिर मैं एक बोली क्या कि मैं देखो ये मेरा फैशन है, न्यू फैशन की साड़ी को कैसे पिन किया जाए। तो मैं बोली पिन क्यों वेस्ट करना, तो इसके लिए मैं क्लेचर लगा दी अपने साड़ी में ताकि मेरी साड़ी अच्छे से संभलती रहे। तो बाकी तो मुझे बहुत ही अच्छा ही लगा प्लेस, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसके लिए मैं वॉइस कम कर मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। तो ये है मोती मस्जिद, और यहाँ मस्जिद है तो ज़्यादा कुछ हम लोगों को भी नहीं पता, बस मस्जिद स्पेस में बसा हुआ है और ज़्यादा कुछ उतना मुझे पता नहीं है, इसके लिए मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और इधर से मेरे पतिदेव चलते हुए आ रहे हैं, और बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा जर्क मार रहा है ना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है लेके चलने की। तो आप लोग देख सकते हो काफी खूबसूरत है। ये कौन आदमी आके खड़ा हो गया मेरे ब्लॉगिंग के बीच में, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो गाइस अब आप लोगों को क्या क्या दिखाऊं मैं, अगर मैं घूमती घूमती थक जाऊंगी लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। बहुत ज्यादा है, और बाकी एंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा गार्डन वगैरह बना हुआ है। तो हम लोग फाइनली अंदर पूरा घूम लिए, पूरा तो नहीं
उम्मीद है क्योंकि हम लोग थक चुके थे, एनर्जी हमारी लो हो चुकी थी और अब हम बाहर आ चुके हैं और बाहर ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि अंदर उतना मुझे लोकेशन वीडियो बनाने के पर्पज से समझ में नहीं आया, लेकिन घूमने के पर्पज से तो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग बाहर बनाएंगे, देखते हैं बनाते हैं या नहीं, अगर बनाएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे @rt01 और @rkramaid009 की ID। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और लाइक कमेंट शेयर करना।